आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उस दिन हमने पढ़ा था मीराबाई का जीवन, जब विष अमृत बन गया। यानी मीरा जी का जन्म नागौर जिले की कुड़की ग्राम में हुआ। उनकी पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वह बड़े ही लाड प्यार से उस परिवार में पली। और आपका जीवन चरित्र बहुत ही उच्च कोटि का था। बाल्यावस्था में ही दैनिक दिनचर्या में सुबह प्रतिदिन जल्दी उठकर के और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना, उनका जीवन का एक दिनचर्या में यह बहुत ही शामिल हो गया था। एक दिन उनके घर साधु आते हैं और साधुओं के पास में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी और मूर्ति देखकर वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और उनको निहारती है, देखती है, देख करके बहुत ही प्रसन्नचित होती है। ये भाव साधुओं ने जब मीरा के अंदर देखा तो वह मूर्ति उन साधुओं ने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी उसको मीरा को भेंट कर दिया। जैसे ही भेंट किया तो वह भक्ति में इतनी गदगद हो गई कि मानो साक्षात भगवान स्वयं उनको मिल गए हो। और जैसे मूर्ति मिलने के बाद में उस मूर्ति को स्नान करवाना, चंदन पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना और उनकी आरती करना, दिन भर उनके इसी कार्यों में लगी रहती थी। भगवान की सेवा उनका एकदम परम कार्य बन गया था। इससे आगे हम आज उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जब वह 15 वर्ष की हो गई तो पिताजी ने चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज से मीरा का विवाह निश्चय कर दिया। मीरा को भी विवाह की सूचना मिली। वह मन ही मन सोचा करती, मैं तो गिरधर गोपाल को अपना पति मान चुकी हूँ। यानी जब वह विवाह करने योग्य हो गई तो पिताजी ने भी महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज से उनका विवाह निश्चय किया। तो ये सूचना मीरा जी को भी मिल गई, परंतु उनके मन के अंदर उन्होंने अपना पति भगवान कृष्ण को मान लिया था। मीरा माता पिता के हृदय को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। विवाह मंडप में गिरधर गोपाल को भी विराजमान कराया गया। गिरधर गोपाल के साथ ही मीरा ससुराल आई। उन्होंने अपने पति से कहा, मैं तो एकमात्र गिरधर गोपाल की पत्नी हूँ, आप वंश की रक्षा के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। यानी वह सांसारिक जीवन से मुक्त हो चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ये कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा लिया था, इसलिए उनको सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। और फिर भी अपने माता पिता की जो बात थी वह उनको टाल नहीं सकी और उन्होंने विवाह करना तय कर लिया। जब विवाह मंडप तैयार हो गया तो उनके साथ में गिरधर गोपाल की मूर्ति को भी विराजमान कराया गया और वह मूर्ति भगवान कृष्ण की लेकर के ससुराल जाती है और वहाँ अपने पति से इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने इस कृष्ण भगवान को पति मान लिया है और इस सांसारिक जीवन से मैं परे हूँ। आप अपनी वंश की रक्षा के लिए, उनकी वृद्धि के लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए, ये उनको सलाह दी। तो राणा भोज बड़े प्रसन्न होकर मीरा के लिए भगवान कृष्ण का एक सुंदर मंदिर बनवा दिया। जब मीरा जी ने अपने पति को ये बात सुनाई तो जो राणा भोज थे वह भी प्रसन्न हुए और उन्होंने मीरा के लिए भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवा दिया जिसमें वह मीरा की भक्ति आसानी से कर सके। कुछ ही समय राणा भोज की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई ने मीरा को मारने के अनेक प्रयत्न किए।
वो विधवा हो जाती है, परंतु उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, साधु वेश धारण कर लिए और साधुओं के साथ में सत्संग करना, भजन करना, अनेकों ऐसे अच्छे कामों में उनका जीवन लगाया, परंतु रणाभोज के छोटे भाई को मीरा के यह कार्य अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए उन्होंने मीरा को मारने के अनेक प्रयास किए। मीरा को मारने के लिए एक भयंकर सर्प आभूषण मंजूषा में रखकर भेजा गया, पर मीरा ने जैसे ही उसे खोला उसमें उन्हें रत्नों का हार मिला। अंत में विष का प्याला भी भेजा गया, मीरा ने भगवान का प्रसाद समझते हुए उसे भी पी लिया। भगवान की शक्ति अपरंपार होती है, मीरा के हृदय में आस्था और भक्ति की अमृत धारा बह रही थी। विष क्या करता, विष भी अमृत बन गया। यानी इस प्रकार उन्होंने जो मारने के अनेकों प्रकार के ऐसे प्रयत्न किए, परंतु वह सभी प्रयत्न विफल रहे। यानी जो भगवान का भक्त होता है उसका कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। ये उदाहरण हम मीरा जी से सीख सकते हैं, जिन्होंने मारने के लिए विष के प्याले भी भेजे, सर्प भी भेजे, परंतु उनका कुछ भी कुछ बिगाड़ नहीं सके। यह केवल भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान का अनन्य भक्त होता है, उसके लिए कुछ भी कष्टदायक नहीं होता है। अभ्यास कार्य में यह सभी प्रश्न करने हैं।